ओम शांति। 30 मार्च 2024, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ी सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे शाम को 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। उसके साथ साथ शाम को 5 बजे हम सहज राजयोग का भी जो कोर्स है उसके ऊपर भी मंथन कर रहे हैं। तीनों समय के लिए एक ही लिंक है, तीनों समय के लिए एक ही लिंक है। आप जिस समय जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। यदि किसी को लिंक प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक ले सकते हैं, चाहे गूगल मीट पर जुड़ना चाहें और चाहे लाइव यूट्यूब पर जुड़ना चाहें, दोनों में जुड़ सकते हैं। यदि किसी को लिंक नहीं मिल रहा है तो इसी वीडियो में आप नीचे देख रहे हैं एक लाइन चल रही है, उस लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके भी अपना लिंक ले सकते हैं। और जो बाद में मुरली सुनते हैं देखते हैं तो वे भी इस मंथन का हिस्सा बन सकते हैं। वो अपने प्रश्न अपने सुझाव व्हाट्सएप पर लिखकर भेज देंगे तो हम उन्हें किसी दिन इसमें जोड़ देंगे। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, प्राण दान देने वाला, प्राण दान देने वाला बाप है। प्राण कौन से दान करेंगे बाबा हमें? सत्यवान मर गया था, उसकी पत्नी जाके प्राण लेके आई थी, ऐसे प्राण देंगे? कोई मरेगा नहीं है जी, तो बाबा फिर कौन से प्राण? प्राण दान देने वाला बाप है। हम मरे हुए हैं, हमें जीवित करने आते हैं। आत्मा तो हम पहले भी जानते थे, गीता में लिखा हुआ था। हाँ जी, अच्छा, मतलब जानते तो पहले भी थे परंतु हमने स्वीकार नहीं किया था। जानते थे कि आत्मा निकल गई है, आत्मा है, ठीक है, परंतु ये समझते थे कि हम शरीर हैं। हाँ, शरीर को हम महत्व देते थे, जो सच था उससे हम अनजान थे। हम शरीर को मैं समझ बैठे थे, वास्तव में बाबा ने आके राज खोला कि आप ये शरीर नहीं हो, ये शरीर मात्र आपकी ड्रेस है, आप तो अमर आत्मा हो, आप कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। आप आत्मा तो एक शरीर छोड़ेंगे और जाकर दूसरा शरीर ले लेंगे, एक शरीर छोड़ेंगे और दूसरा जाकर ले लेंगे। ये बात बाबा ने समझाकर हमें जीए दान दे दिया, हमें मृत्यु से अमृतत्व की तरफ ले आए। वे नॉलेज ऐसी देते हैं जिससे प्राण दान मिल जाता है, ये ज्ञान ऐसा है जिससे हम अमर हो जाते हैं। ऐसे प्राण दिन दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो, ऐसे प्राण दान देने वाले बाप को प्यार से याद करो। प्रश्न, किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे सब भंडारे भरपूर रहते? किस आधार पर 21 जन्मों तक तुम्हारे भंडारे भरपूर रहते?
क्या पुरुषार्थ आप करते हो जो 21 जन्म तुम्हारे भंडारे खत्म ही नहीं होते। बाबा जो हमें ज्ञान देते हो हमारे संगम युग पर ज्ञान सुनकर हमारे भंडारे भरपूर होते हैं। खाली सुन के नहीं होंगे, खाली सुन के नहीं होंगे, खाली सुनने से नहीं होंगे भाई। हाँ जी, हाँ, संगम युग पर तुम बच्चों को जो नॉलेज मिलती है ये सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई के आधार से सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। इस पढ़ाई से 21 जन्मों की खुशी मिल जाती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। इसके बाद कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। हमें समझ में आ गया कि संसार में हम सब आत्माएं एक्टर हैं। हम सब आत्माएं क्या हैं? एक्टर हैं, एक्टिंग करने आए हैं। जो हमारे रोल में होगा वो हमें मिल जाएगा, जो हमारे रोल में नहीं है वो हमें मिलेगा क्यों? उसकी हम इच्छाएं क्यों करें? जो रोल में मिलना है उसकी चिंता किसको होनी चाहिए? इस डायरेक्टर को। जो कुछ रोल में हमें मिलना है उसकी चिंता किसको होनी चाहिए? किसी को भी नहीं, परमात्मा ऐसा तो किसी को भी हम तो वैसे। हाँ जी, किसको? वैसे तो किसी को भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ड्रामा में इतना एक्यूरेसी है कि जो चीज जिसने जब प्रयोग करनी है वो पहुंचनी है। तो डायरेक्टर को भी चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें? कोई गलती हो नहीं सकती, ये विश्वास हमारे को चाहिए। ये बात हमें परमपिता परमात्मा ने आके समझा दिया, ये ना तो मेरे को चिंता है ना तुम्हें चिंता करने की जरूरत है। ड्रामा अनुसार जो चीज आपको प्रयोग करनी है वो आपके पास आएगी। कोई पुरुषार्थ तो है, कोई गलती नहीं। आप अपनी तरफ से पुरुषार्थ करो, क्योंकि वो पुरुषार्थ भी आप आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है। वो पुरुषार्थ भी आपसे होगा, आप चाहें चाहे ना चाहें, वो पुरुषार्थ भी आप आत्मा से होगा। कि खुशी मिल जाती है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे। इच्छा पहले होती है, प्राप्ति बाद में होती है। तो हमें इच्छा करें नहीं, हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनाने के लिए बाबा ने ये गुह्य रहस्य हम सबको समझा दिया कि हमें कोई इच्छा करने की जरूरत ही नहीं। परंतु ये भी तो इच्छा है कि हम बाबा को याद करें, हम सतयुग के लायक बने, ये इच्छा नहीं है क्या? हाँ जी, जिससे हमारी कमाई, जिससे हम सुधरे हैं। बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या बनो, मैं सवेरे अमृत वेले उठूंगा, ये भी तो इच्छा है, बाबा को याद करूंगा। मुरली, लौकिक लौकिक चीजों की इच्छा मत करो, बाकी ये तो शुद्ध अहंकार या शुद्ध इच्छा है, इसे तो करना ही है। शुद्ध इच्छा कर सकते, शुद्ध इच्छा की छुट्टी है। आत्मा की इच्छा करना छुट्टी है, देह के लिए इच्छा करने की छुट्टी नहीं। हाँ, तो हम आत्मा हैं, आत्मा को क्या चाहिए वो शुद्ध इच्छाएं करनी है। क्योंकि हम आत्मा हैं तो आत्मा को जो चाहिए वो सारी इच्छाएं करनी है। हम जो है नहीं, शरीर के लिए इच्छाएं करना ये नहीं करना।
बाबा कहते क्यों सत्य युग में सब कुछ मिलेगा, क्यों कहते हैं सब कुछ मिलेगा तो किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, तो बाबा कहते क्यों है? बाबा मोदी में कई बार कहते हैं अशुद्ध आत्मा के लिए शरीर के लिए बताओ शरीर भी चाहिए। शुद्ध आत्मा के लिए शुद्ध शरीर नहीं चाहिए, शुद्ध आत्मा होगी तो उसको शुद्ध शरीर मिलेगा। हाँ जी, जब शुद्ध होगी हमारा शरीर ज्ञान भी जब ही रुकेगा। तो शुद्ध होने का अर्थ बाबा ने समझाया कि अपने आप को आत्मा समझो। जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे तब जो है ना शरीर भी शुद्ध बनेगा, क्योंकि हम आत्मा पवित्र बनेंगे। आत्मा समझेंगे तो आत्मा की ही इच्छा रखेंगे। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, कूलर नहीं चाहिए, एसी नहीं चाहिए, गीजर नहीं चाहिए, मतलब शरीर की जो भी चीजें हैं वो आत्मा को कोई भी नहीं चाहिए। आत्मा को ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। आत्मा को चाहिए सात गुण आठों शक्ति, बस उनको प्राप्त करेंगे। आत्मा समझ कर प्राप्त करेंगे तब हम पवित्र बनेंगे। उसको इच्छा मात्र नहीं कहा, वो तो इच्छा करो, जितना ज्यादा लालची बन सकते हो लालची बनो, ठीक है नहीं? जितना ज्यादा ज्ञान लेना चाहते हो ज्ञान लो, शांति लो, पवित्रता लो, उससे कोई बीमारी नहीं होगी। परंतु संसार की झूठी दुनिया की इस झूठी काया के लिए इच्छा करना, ये जो है ना ये अशुद्ध इच्छा है, ये नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसके प्राप्त करने की इच्छा रहे, क्योंकि मैं आत्मा हूं तो मुझे संसार की किसी चीज की भी इच्छा करने की जरूरत ही नहीं है। बाबा नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जिससे आत्मा क्या से क्या बन जाती है। बाबा आकर ऐसा ज्ञान देते हैं आत्मा को कि आत्मा क्या से क्या बन जाती है। आत्मा ही पतित बनी थी, आत्मा में ही विकार आए थे, आत्मा को ही बाबा आकर ज्ञान देते हैं और आत्मा फिर पतित से पावन, मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बन जाती है। तो आत्मा पर ही लेप छेप लगती है, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही फिर पावन बनती है। ये काम परमात्मा आकर करते हैं। ओम शांति। भगवानोवाच। शालिग्राम समझते हैं, शालिग्राम कहा जाता है आत्माओं को। क्यों कहते हैं आत्माओं को शालिग्राम? उनकी शेप ऐसी बनी होती है, गोल गोल होते हैं पत्थर, ठीक है? फिर शालिग्राम क्योंकि शिवलिंग, शिवलिंग के साथ शालिग्राम रखे जाते हैं। शिवलिंग शिव बाबा के निराकार रूप का यादगार है, इसलिए शालिग्राम आत्माओं का यादगार है, इसलिए बाबा ने हमें शालिग्राम कहा। शिव बाबा हमको पढ़ाने आते हैं, बच्चे जानते हैं, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बच्चों को अब कोई नई बात नहीं लगती, समझ में आ गया है। मनुष्य तो सब क्या है, भूले हुए हैं। जिसने पढ़ाया उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया, उनके बदले पहले नंबर में पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। तुमको पढ़ते पढ़ते ये बात सिद्ध करनी है, भारत के शास्त्रों की ही बात है और धर्म के शास्त्रों की नहीं, और धर्म के शास्त्रों की नहीं। भूल ही भारत के शास्त्रों की है। भूल किसकी है?
भारत के शास्त्रों की है, तुम्हारे सिवाय ये बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता, तुम्हारे सिवाय ये बात और कोई सिद्ध नहीं कर सकता। बच्चे जानते हैं ये अनादि ड्रामा है, फिर भी रिपीट होगा, फिर भी क्या होगा, ये रिपीट होगा। तो मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो, तुम मनुष्य मात्र को सुधारने का पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य जब सुधरते हैं तो दुनिया ही सुधर जाती है। तो क्या होता है, दुनिया ही सुधर जाती है। सत्युग है सुधरी हुई नई दुनिया, सत्युग है सुधरी हुई नई दुनिया, और कलयुग है अनसुधरी हुई पुरानी दुनिया। ये भी तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो और धारणा कर समझाने लायक भी बनते हो। इसमें बड़ी रिफाइनेस चाहिए, इसमें बड़ी क्या चाहिए, रिफाइनेस चाहिए। बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, बाबा तुमको कितना रिफाइन कर समझाते हैं, सुधारते हैं। बाप कहते हैं जब तुम सुधर जाते हो फिर मुझे सुधारने की जरूरत नहीं रहती। तुम अन आर्य बन पड़े थे, अब आर्य अर्थात देवी देवता बनना है। सो तो सतयुग में ही होंगे, सो तो कहां होंगे, सतयुग में ही होंगे। वे सब सुधरे हुए थे, वे सब क्या था जी, आर्य का अर्थ बाबा ने दिया सुधरे हुए, और देवी देवता उनको कहा जाता है आर्य। ये जो आर्य समाज है ये भी कहते हैं कि हम आर्य हैं, अपने साथ लिखो आर्य, तो आप भी सुधरे हुए बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। परंतु आर्य लिखने से आर्य नहीं बनेंगे, आर्य बनने से आर्य बनेंगे। जब हमें बाबा आकर सुधार रहे हैं, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हम आर्य बनेंगे। आर्य बनना है। रामायण में भी सीता राम को आर्य बोलती है, रामायण में भी बोलती है। ये आपने बोला ना मनुष्य सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, लाइन है। तो मनुष्य तो पूरी दुनिया में आ ही जाते हैं ना, परंतु मनुष्य आ जाते हैं तो सुधरना तो आत्मा ने है ना, मतलब चाहे कोई भी मनुष्य, मीन्स मनुष्य का मतलब देह ने, तो सुधरना नहीं, आत्मा ही सुधरेगी। जब आत्मा सुधरेगी तो दुनिया वाले भी देखकर मैं सुधरूंगा तो मुझे देख सब सुधरेंगे। तो इस बात को हमने अपनी बुद्धि में रखना है। उनकी पूजा करते हैं जो सुधरे हुए थे, देवी देवता थे, और जो अनसुधरेले हैं उनकी पूजा करते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं आता, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता कि हम देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं, हम उनको क्यों सुधरेले कहते हैं, देवी देवताओं को आर्य या सुधरेले क्यों कहते हैं। हैं सब मनुष्य, जो सुधरेले आर्य थे वही सब अनसुधरेले बने हैं, वही सब क्या बन गए हैं, अनसुधरेले बन गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में भी यही लिखा हुआ है, भारत में आज से 500 सहस्त्र वर्ष पूर्व भारत में केवल और केवल आर्य थे, केवल और केवल आर्य थे, और वेद विरुद्ध कोई बात नहीं थी। जब वेद विरुद्ध होते हैं तो महाभारत होता है, तब महाभारत होता है। अब उन्होंने जैसा भी समझा, उन्होंने लिखा वेद
विरुद्ध कोई बात नहीं थी। कब? जब आर्य थे। वास्तव में जो जब आर्य थे तो वो ईश्वरीय डायरेक्शन पर चलने वाले थे, उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे किसी को भी दुख पहुंचे। परंतु उनकी बुद्धि में ये था कि ये वेद सबसे पहले लिखे गए, ये वेद सबसे पहले लिखे गए और ये वेदों के अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ रहे होंगे, और जिसके कारण उनको उन्होंने वेदों का जिक्र किया। परंतु अब हमें तो ये समझ में आ गया कि वेद तो अब लिखे गए हैं, अब से 2200-2300 साल पहले। और जब उस समय वेद लिखे गए, उस समय यहां पर कोई ऐसी दुनिया नहीं थी। आर्य ये आर्य अभी का शब्द है। सतयुग में क्या भाषा होगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये हमारे वेदों में संस्कृत में आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यह जितनी भी भाषा हम आज देख रहे हैं, कोई भी भाषा, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो लेटिन हो, चाहे हिब्रू हो, जो भी वर्ल्ड के अंदर उपलब्ध भाषाएं हैं, पुरानी पुरानी भाषाओं के मैंने नाम लिए, और वो भाषाएं सभी 2500 साल के अंदर अंदर ही बनी है। वेद जब लिखे गए उस समय कोई भाषा नहीं थी, उस समय केवल बोली थी, इसलिए वेदों के पहले रूप को श्रुति ही कहा गया है। किसने वो श्लोक बनाया था, किसने वो बात कही थी, वो किसी को नहीं पता। सिर्फ जिसने लिख दिया उसने अपना नाम लिख दिया। कई पीढ़ियों तक तो वो केवल श्रुति के रूप में चलते रहे। जो अच्छी बातें बुजुर्गों ने अपने बच्चों को बताया, बच्चों ने अपने बच्चों को बताया, बच्चों ने अपने बच्चों को बताया, ये चलता रहा। और उसके बाद जो है किसी को आया, उसने अपनी भाषा जो बनी उनकी अभिव्यक्ति के लिए, तो उस भाषा के अंदर लिपिबद्ध कर दिए। जो जो लिखना सीखे उन सब ने अपने अपने विचारों को लिपिबद्ध कर दिया। आर्य और अन आर्य, बाकी वे जो आर्य समाज है वो मठ पंथ है। वो क्या है? मठ पंथ। झाड़ के चित्र में देखा होगा लास्ट में आर्य समाज भी लिखा हुआ है, वो बहुत छोटा सा लास्ट में आता है। उसको बाबा ने कहा ये एक छोटा सा मठ पंथ है। ये झाड़ से क्लियर समझ सकते हैं, ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। ये जो झाड़ है ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। इसकी आयु है 5000। इसकी आयु कितनी है? 5000 वर्ष। इसका नाम कल्प वृक्ष है। इसका नाम है कल्प वृक्ष। इसको कल्प वृक्ष क्यों कहा जाता है? पांच हजार वर्ष का कल्प है। कल्प किसे कहते हैं? चार युगों के ग्रुप को। जैसे सप्ताह के 7 दिनों को सप्ताह कहते हैं, 8 दिनों को हफ्ता कहते हैं, तो ये दोनों में अंतर है। तो इसी प्रकार 30 दिनों को महीना कहते हैं, 12 महीनों को साल कहते हैं। ऐसे कल्प कहा जाता है चारों युगों के कुल को। इसका नाम कल्प वृक्ष है, परंतु कल्प वृक्ष अक्षर से मनुष्यों की बुद्धि में झाड़ नहीं आता। कल्प वृक्ष कहने से मनुष्यों को झाड़ नहीं आता याद। क्यों नहीं आता याद? क्योंकि दुनिया वालों तो कोई परिजात का, कोई हार सिंगार का, कोई और किसी फूल को कह देते हैं ये है जी कल्प वृक्ष, ये है जी कल्प वृक्ष। मतलब
आप यदि गूगल में डालेंगे तो दुनिया भर के कल्प वृक्ष अलग अलग तरीके के दिखा देंगे। तो वास्तव में बाबा कहते ये कल्प वृक्ष एक कोई पेड़ नहीं है। फिर इसको वृक्ष क्यों कहा गया? क्योंकि ये मनुष्य जीवन को, मनुष्य जाति को दिखाने के लिए पहले एक शिव बाबा था, फिर दो आए, फिर चार हुए, फिर 16 हुए, ऐसे ये संसार बढ़ता गया। इस बात को ट्री कहा जाता है, इसको ट्री पेड़ की तरह ये बढ़ता है, इसीलिए इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है, बाकी कोई ये वृक्ष नहीं है। तुमको झाड़ के रूप में समझाया है, पेड़ के रूप में समझाया है कि पहले शिव बाबा, शिव बाबा से दो पत्ते निकले राधा कृष्ण, ठीक है ना, उसके बाद बाकी सारे पत्ते निकलते गए। दिखाया ना कृष्ण जाते हैं ना, सत्य मामा कहते मुझे कल वृक्ष मुझे भेजे आंगन में चाहिए, हाँ। तो लेने जाते हैं तो उसके लिए दिखाया गया ना, दिखाया है, मतलब वही मैं बता रहा हूँ कि कल्प वृक्ष को पुरानी कहानियों के अंदर शिफ्ट करते हुए दिखाया है, तो जिसके कारण उन्होंने दिखाया जी कल्प वृक्ष समुद्र में से निकल आया, मतलब कल्प वृक्ष निकला कहां से, उनका कल्प वृक्ष निकलाया समुद्र में से, सूरज भी निकलाया समुद्र में से, चंद्रमा भी निकलाया समुद्र में से। अब कोई पूछे उनसे कहां से समुद्र में रखे हुए थे, वो क्या कर रहे थे समुद्र में पड़े हुए, उनको निकाला गया वहां से, उच्चरवा घोड़ा भी समुद्र में से निकलाया, मतलब जहर भी समुद्र में से निकलाया, अमृत भी निकलाया, लक्ष्मी भी निकल आई समुद्र में से। ये मनुष्य के जीवन के बारे में कल्प वृक्ष है, जैसे मनुष्य का जीवन है, जीवन नहीं हमारी जैसे रचना, जैसे आप एक हैं, आपके चार बच्चे हुए, उनके 16 बच्चे हो गए, उनके आगे तो एक ट्री बन गया ना, तो इस प्रकार से ये हम कोई भी चीज बतानी होती है तो ट्री बनाते हैं। इसी प्रकार पटवारी के पास, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पटवारी के पास एक गांव का नक्शा होता है, उसमें एक परिवार का है, जमीन इतनी है यहां से यहां तक, अब उसके चार बच्चे हो गए तो उसके वहीं के वहीं चार हिस्से कर देता है, उनके फिर और बच्चे हो गए तो उनको वहीं बढ़ाता जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये ट्री की तरह बढ़ता है, ये संसार भी पेड़ की तरह बढ़ता है, इसलिए इसको कल्प वृक्ष कहा है, बाकी कोई कल्प वृक्ष है नहीं, इनको समझाने के लिए बताया है। बाकी उन्होंने, दुनिया वालों ने एक पेड़ समझ लिया कि एक पेड़ होता है उसको कल्प वृक्ष कहते हैं। तो वहां पर भी माउंट आबू में जाते हैं, वहां पर भी जो दिलवाड़ा मंदिर है उसको आप देखेंगे, उसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, कल्प वृक्ष के लिए इधर जाए, मतलब इधर इशारा दे रखा है, वहां एक पेड़ खड़ा हुआ है। पहली बार देखा तो ध्यान नहीं दिया, कोई कभी आया नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। तो वहां पर मैं भी गया, मैं देखे किसको ये दुनिया वाले कल्प वृक्ष कहते हैं, कौन से पेड़ को कहते हैं, और उन बेचारों को पता तो है ही नहीं, उन्होंने ब्रह्मा कुमारी वाले कल्प वृक्ष कहते हैं, उन्होंने एक बोर्ड लगा के खड़ा कर दिया, कल्प वृक्ष दर्शन करने के लिए उधर जाएंगे तो वो कुछ माथा वाथा टेकेंगे, तो उनकी तो इच्छा ये रहती है, उनको तो ये पता है। वो कह देते कल्प लाखों वर्ष का है, बाप कहते हैं 5000 वर्ष का है, और कोई कितनी आयु सुनाते, कोई कितना पूरा समझाने वाला कोई है नहीं, आपस में कितना शास्त्रवाद करते। शास्त्रवाद करना मतलब शास्त्रों के आधार पर बहस करना, इसको कहेंगे शास्त्रवाद, कि मेरे इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है, ये सच है, ये झूठ है, तुम्हारी तो ये रूढ़िहान है, तुम क्या करते हो आपस में बैठकर रूढ़िहान करते हो, तुम सेमिनार करते हो, उसको रूढ़िहान कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, रूढ़िहान कहा जाता है, प्रश्न उत्तर समझने के लिए भी करते हैं, बाबा जो कुछ तुमको सुनाते हैं उससे ही टॉपिक निकाल तुम सुनाते, बाबा जो सुनाते हैं उस सुनी हुई बातों से आप टॉपिक बनाते हो और वो फिर तुम सबको सुनाते हो, वो लोग क्या सुनाते हैं ये भी तुम जाकर सुनो, फिर आकर सुनाना, फिर आकर सुनाना चाहिए कि ये
इस प्रकार का वाद विवाद चलता है, इस प्रकार का वाद विवाद चलता है। पहले तो ये समझाना है कि गीता का भगवान कौन, पहले क्या समझाना है, गीता का भगवान कौन। भगवान बाप को भूलने कारण बिल्कुल चट खाते में आ गए, भगवान को भूलने के कारण क्या हो गए, चट खाते में आ गए हैं। तुम बच्चों का तो बाप से लव है, तुम बच्चों का तो बाप से लव है, तुम बाबा को याद करते हो, बस बाबा ही प्राण दान देने वाला है, नॉलेज का दान ऐसा देते हैं जो क्या से क्या बन जाते हैं। तो बाप पर लव रहना चाहिए। लव का क्या मतलब होता है, बाबा से हम प्यार करें, क्या करें बाबा को, बस बस एक ही बात है, बाबा का कहना। प्यार का सबूत यही है कि हमने उसका कहना मानना है। बाबा हमको ऐसी ऐसी नई बातें सुनाते हैं, हम श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, श्री कृष्ण को कितना याद करते हैं, वे कुछ देता ही नहीं, वे कुछ देता ही नहीं। श्री नारायण को याद करते हैं, याद करने से कुछ होता है क्या, याद करने से कुछ होता है क्या, हम तो कंगाल के कंगाल ही रह गए, हम तो क्या रहे, कंगाल के कंगाल ही रह गए। देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, सॉल्वेंट माना, सॉल्वेंट माना हाँ जी, सॉल्वेंट एक टाइम में एक बोलो तो मेरे को समझ में आए, साहूकार, सॉल्वेंट माना साहूकार, और कौन बताएगा, पवित्र, और कौन बताएगा, आवाज आ रही थी राइट, परंतु किसकी थी मेरे, हाँ जी धनवान, और कोई, और कोई बताएगा, सॉल्वेंट, देवताएं कितने सॉल्वेंट थे, आवाज आई थी, किसी ने ठीक बोला था, मुझे पता लग जाता ना किस, नहीं वह धनवान भी नहीं कहते, वो जो अमीर कह रहे हैं, धनवान कह रहे हैं, वो सारे कह रहे हैं ना, परंतु बात तो सारी बाबा कहते बच्चे, विघ्न विनाशक, सॉल्वेंट जो है धनवान या अमीर, ये अंग्रेजी का शब्द है, ये अर्थशास्त्र का शब्द है, परंतु यहाँ सॉल्वेंट माना विघ्न विनाशक, कई बार सॉल्वेंट, हाँ इनसॉल्वेंट मतलब दिवालिया कहते हैं उसको, जिसका जिसके पास, मैं समझ रहा हूँ, परंतु हाँ परंतु मैं समझ रहा हूँ आपकी बात जो आपने बताया, परंतु धनवान बनने का मतलब यहाँ क्या है, विघ्न विनाशक, सॉल्वेंट हमारा मुरली के अंदर सॉल्वेंट का अर्थ है विघ्न विनाशक, जो गुणों से धनवान होता है उसके पास कोई विघ्न नहीं आएगा, ठीक है, और जो गुणों से दिवाला निकल जाता है उसका जीवन नरक बन जाता है। यहाँ अमीर और गरीब चरित्र से गिना जाता है, क्योंकि यहाँ पैसे का कोई मतलब नहीं है, यहाँ संसारिक धन का मतलब नहीं समझना है, जो सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट ये अर्थशास्त्र में आता है, और वहां इसका अर्थ जो आप बोल रहे हैं वो है, परंतु यहाँ है सॉल्वेंट माना
जो अपने चरित्र से इतना ऊंचा उठ जाता है, इतने ऊंचे गुण अपने में धारण कर लेता है कि उसके सामने संसार की कोई भी समस्या, कोई भी विघ्न नहीं रहता, कोई भी विघ्न नहीं रहता, तो उसे कहते हैं विघ्न विनाशक। अब सभी आर्टिफिशियल, एक ने बोला था पीछे से विघ्न विनाशक, सभी आर्टिफिशियल चीज हो गई हैं जिसका दाम नहीं, उनका आज दाम हो गया है। वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं, पैसे क्या करेंगे वहां, वहां गेहूं का, सामान का, जो भी चीज खाने की चीजें होंगी उनका कोई कीमत नहीं होगी। आपको चाहिए आप ले जाओ, बस खत्म बात, कोई मतलब नहीं कि भी है ना क्या करना है, क्योंकि ये तो हमने अपने अपने इस जीवन काल में जब हम छोटे थे देखा थे नहीं, सब्जियां हैं ले जाओ, कोई ये नहीं कहता था खेत से सब्जी ले जाने के लिए कोई रोक दे किसी को, नहीं ले जाओ सब्जी के लिए, ले जाना ले जाओ, इवन दूध दही के लिए भी दे देते थे ले जाओ। और पड़ोस में यदि किसी घर देख लिया ना कि मेहमान आए हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं है, उससे पहले सब्जी की कटोरियां उसके घर पहुंचा देंगे, मतलब आपका मेहमान दो सब्जी से खा ले, मतलब अब ये दो सब्जियां बनाने की क्या जरूरत है, मतलब ये प्रैक्टिकल हमने बचपन में देखा है। और आप में से जो हमारी उम्र के होंगे लगभग, हाँ मतलब जब आप सोचिए कि अब हमारे टाइम तक यह हालत थी, सतयुग में क्या हालत रही होगी, आप समझ सकते हैं इस बात को, मतलब अब हमारे अभी अभी हमारे टाइम में ऐसा था, तो उस समय जब सतयुग होगा उस समय आपको कुछ भी चाहिए, कोई पैसे का लेन देन, इसलिए पैसे की बात की है बाबा ने कि यहां धन वाली बात नहीं है, आप इतने चरित्रवान हो जाते हैं कि आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बात वही है कि हम ये अब थोड़े थोड़े रह गया, अब तो क्या होता है कि अपने फ्रिज में से पानी पीने के लिए मना कर देते हैं, मेरा बेटा आने वाला है उसके लिए बोतल रखिए, मैं पानी नहीं है, पानी नहीं देंगे, मतलब पानी की बोतलें भी खरीदनी पड़ती है, हर एक सोचता है क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से मतलब समय में बहुत बड़ा परिवर्तन हम अपने जीवन काल में देख रहे हैं, इससे पहले कितना अच्छा रहा होगा, तो तभी तो वो स्वर्णिम दुनिया थी। तो वहां अनाज आदि के दाम की बात ही नहीं, पैसे पैसे का धनवान होने वाली बात नहीं है, सबको अपनी अपनी प्रॉपर्टी आदि है, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके प्राप्ति की इच्छा रहे। सतयुग में किसी को अप्राप्त वस्तु नहीं होती, अब वो इच्छा बना के जाते हैं, अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना के जाते हैं, सतयुग में उनके पास कोई भी इस शरीर के लिए क्या चाहिए उसके लिए प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, मां सोचना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता। जिसकी प्राप्ति की इच्छा रहे, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा भंडारा भरपूर कर देता, दिया कोई एक रुपया जब से बाबा के पास पढ़ने आए हैं, गुण तो दे नहीं, भंडारा किस चीज का भरपूर किया, गुणों का, शक्तियों का, और जिसके आधार पर हम इतने चरित्रवान बन जाते हैं कि सतयुग में हमारे पास कोई कमी कोई अभाव नहीं रहता है, कोई कमी नहीं रहती, कोई अभाव नहीं रहता है। तुम्हारा भंडारा भरपूर हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान जो है वो आमदनी का जरिया है, नॉलेज ही सब कुछ है, इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंच बनते हो, पढ़ाई का भंडार है ना, वे टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे अल्पकाल का सुख मिलता है, इस पढ़ाई से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। उस पढ़ाई से तो इस जीवन में भी आपका जीवन अच्छा चले ना चले कोई भरोसा नहीं, परंतु इस पढ़ाई से आपके 21 जन्म सुधर जाते हैं, आप इतना चरित्रवान बन जाते हैं, आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान करने वाले बन जाते हैं, जो आपको 21 जन्म कोई समस्या
नहीं आते। ये समझने में टाइम लगता है, जल्दी कोई समझ ना सके, ये नहीं कि कोई आया है मैंने उसको बताया और वो समझ गया, टाइम लगता है। कोटों में कोई निकलते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं आधा कल्प, सभी मनुष्य एक दो को गिराते ही आए, एक दो को गिराते ही आए हैं। चढ़ाने वाला एक बाप है, आधा कल्प की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले, बेहद की पढ़ाई पढ़ाने वाले के बदले किसका नाम लिख दिया, पढ़ने वाले का नाम डाल दिया। जिसको आके बेहद के बाप ने पढ़ाई पढ़ाई, जिसने पहले पहले पढ़ी उसका नाम लिख दिया। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। कहते हैं भगवानों वाच, पढ़ा कर गए हैं, भगवान आके पढ़ा के गए हैं, अब उनको पता ही नहीं कि भगवान कैसे आके पढ़ा कर गया है। भगवानों वाच लिख दिया और किसका नाम लिख दिया, कृष्ण को, कि गीता का ज्ञान किसने दिया, कृष्ण ने दिया। अब उनको कोई पूछे उसी गीता के चौथे अध्याय में क्या लिखा है, ये ज्ञान सूर्य ने मनु को दिया था, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया था, जो ज्ञान ये प्राय लोप हो गया था वो हे अर्जुन अब मैं तेरे प्रति कह रहा हूं। जो ज्ञान लोप हो गया था, पहले मतलब किसी ने दे दिया था ना, तो कृष्ण ने तो केवल उस ज्ञान को क्या किया, उसके पास कहां से आया ये उसने नहीं बताया। कृष्ण के पास कहां से आया, जो प्राय लोप हो गया था वही मैं ज्ञान तुम्हें पुनः सुना रहा हूं। अभी इक्ष्वाकु भी यदि हम प्राणों को लें तो इक्ष्वाकु भी कोई बहुत पहले नहीं हुआ, मतलब जब पुराण रामायण लिखी गई है, रामायण जो इक्ष्वाकु वंश वाले थे, तो रामायण भी तो उसी टाइम लिखी गई है, उसके समकालीन ही तो था इक्ष्वाकु, ठीक है। दशरथ इक्ष्वाकु वंश में आया, उससे पहले मनु, तो उन्होंने सारी की सारी घटना यहीं के यहीं समाधि के, मनु था, मनु का बेटा इक्ष्वाकु था, इक्ष्वाकु वंश में रघुवंश आया, रघुवंश से जो है ना फिर ये राम पैदा हुए, और ये यहीं पर इनकी वंशावली को पढ़ते हैं तो ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, किताब तो व्यास ने लिखी ना, उसका एक्चुअल में नाम द्वैपायन था, व्यास उसको ये उपाधि दी गई। व्यास का मतलब होता है किसी बात को विस्तार करके समझाने वाला, उसे कहा जाता है व्यास, ठीक है। व्यास तो महाभारत कहते, व्यास पीठ में बैठे बताते हैं, जो व्यास पीठ कहा जाता है, व्यास पीठ कहो, व्यास जो है ना गद्दी कहो, मतलब व्यास का, व्यास पीठ का मतलब है ये वो गद्दी है जहां बैठकर ज्ञान को विस्तार से समझाया जाता है। नाम नहीं, ये भी नाम समझ जाते हैं। हाँ, दुनिया वाले इसको नाम समझते हैं, मतलब व्यास नाम नहीं है, उसका अपना नाम द्वैपायन था, उसने विस्तार से महाभारत को लिखा इसलिए उसको व्यास कहा। व्यास गद्दी पर बैठे हुए, जो ब्राह्मण बैठा है वो ज्ञान को विस्तार से समझाता है, इसलिए उस सीट को व्यास गद्दी कहा जाता है। तो जिन्होंने शुरू से व्यास विस्तार से समझाया तो उस मठ को व्यास पीठ कह देते हैं। हाँ, एक्चुअल व्यास का मतलब स्थान नहीं है, जैसे मैं बैठकर मुरली को विस्तार कर रहा हूं तो ये व्यास सीट हो गई। यहां पर कोई बैठ करके बहन जी या कोई भी आकर मुरली सुनाएगा, उसको दुनिया वाले की रीति से कहा जाएगा ये व्यास सीट है, यहां बैठकर कोई जो मुरली सुनाता है या कोई भी ज्ञात की बातें सुनाता है उसको विस्तार करके सुनाता है, मतलब विस्तार करके समझाना, मतलब उसे व्यास गद्दी कहो, व्यास पीठ कहो और व्यास कहो। इसलिए द्वैपायन व्यास, ठीक है। जैसे अकबर का नाम कोई अकबर नहीं था, ये अकबर भी उसको क्या दिया गया था, अकबर का अर्थ है महान,
अकबर का अर्थ है महान, ग्रेट, ठीक है नहीं। अकबर को बोला क्या जाता है, अकबर ग्रेट, महान महान, मतलब इतना मतलब दुनिया भूल गई है इस बात को कि अकबर का नाम मतलब अकबर नहीं था, ये भी उसको उपाधि दी गई थी, उपाधि से ही उसको जाना जाता है। जलालुद्दीन अकबर, मतलब उसका अपना नाम उसका जलालुद्दीन था और उसको ये उपाधि दी गई थी अकबर की के जलालुद्दीन महान। बतवा जलालुद्दीन को कोई भी नहीं जानते, जो मतलब ज्यादा कोई ज्यादा लिटरेचर स्टडी करेगा ध्यान से तो उसको समझ में आएगा, वरना कोई नहीं जानते। कहते हैं भगवानों वाच पढ़ा कर गए, वो हमें पढ़ा कर गए हैं, फिर उनका कोई शास्त्र रहता नहीं। भगवान आकर जब पढ़ा के जाते हैं तो उनका कोई शास्त्र रहता नहीं, सतयुग में कोई शास्त्र नहीं, शास्त्र सतयुग में कोई शास्त्र नहीं, क्योंकि सब सब कुछ जल गया। अभी जब सारी दुनिया हम आत्माएं घर जाएंगे, इस दुनिया का सब कुछ जलकर नष्ट हो जाएगा, यहाँ की कोई भी चीज सतयुग में नहीं रहती है। तो जब वहां पर सारे बोलते ही सच हैं, फिर कोई लिखता क्यों कि सच बोलो, कोई चोरी करता नहीं, कोई दुख देता नहीं, कोई पाप करता नहीं, तो वहां किसी शास्त्र की भी जरूरत नहीं, जो कहना पड़े आप ऐसे करो। सतयुग में कोई शास्त्र है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। कितना बड़ा झाड़ है, भक्ति की ये अनेक टाल टालियां ना हो तो झाड़ का नाम भी ना रहे। ये सब धारणा करने की बातें हैं, तुम धारणा करते हो, पढ़ाने वाला तो पढ़ाकर गुम हो जाता है, पढ़ने वाले आकर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी नई बातें हैं, एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं, एक भी बात कोई की बुद्धि में बैठती नहीं है। स्टूडेंट भी तुम सब नंबर वार हो, कोई पास होते हैं कोई फेल होते हैं, ये है बेहद का बड़ा इम्तिहान। तुम जानते हो हम अभी अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे, कल्प कल्पांतर अच्छा पढ़ेंगे। अच्छा पढ़ने वाले ही ऊंच पद पाते हैं, नंबर वार सब जाएंगे, सारा क्लास ट्रांसफर होता है, नंबर वार जाकर बैठते हैं। ये ज्ञान भी आत्मा में है, ये ज्ञान भी आत्मा में है। अच्छा व बुरा संस्कार आत्मा में है, शरीर तो मिट्टी है, शरीर तो क्या है, मिट्टी है। आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती, आत्मा निर्लेप हो नहीं सकती। 100% सत्व प्रधान, 100% तमो प्रधान, 100% सत्व प्रधान और 100% तमो प्रधान कौन है, 100% तमो प्रधान कौन है और 100% सत्व प्रधान कौन है, ये भी तुम समझते हो। पहले तो गरीब को उठाना पड़े, गरीब किसे कहते हैं, जिसके पास कुछ भी जो चरित्रहीन है। बाबा की गरीबी है वैल्यू, मॉरल वैल्यू, वैल्यू माना कीमत, जिसमें जितना श्रेष्ठ मॉरल वैल्यूज कीमत उसकी उतनी है ना, तो वैल्यू उनको। आज सारी दुनिया तमो प्रधान हो गई है, बाबा कोई पैसों वाले गरीबों को थोड़ा उठाने आया है, वही समझ जाते हैं, बुद्धि वही जाती है। तो बाबा के लिए तो तमो प्रधान, जो सबसे ज्यादा तमो प्रधान है वो गरीब है। जो सबसे पहले आया वो सबसे ज्यादा गरीब। अब जैसे मान लीजिए हम आज के टाइम को लें, क्या हम आज समझ लेते हैं कि 5% पवित्र है दुनिया, मान लेते हैं हम
यानी तो जो सौ परसेंट पवित्र था वो आज 5% पर आया है, वो सबसे ज्यादा गरीब हुआ। 80 वाला 5% पाया, थोड़ा कम गरीब हुआ, और जो 40 वाला है वो और कम गरीब हुआ, जो 10 से 5 पर आया है थोड़ा सा गरीब हुआ। यानी तो मतलब कहने का ये है कि वो अपनी गरीबी इस हिसाब से समझते हैं। तो मॉरल वैल्यूज जो है आज हमारे जीवन से गायब हो गए हैं, जिसके कारण हम तमो प्रधान बने हैं। पैसे के अभाव के कारण हम तमो प्रधान नहीं बने, पैसा नहीं है किसके पास वो तमो प्रधान नहीं है, जिसका चरित्र गिर गया है वो तमो प्रधान। तो यहां गरीब का मतलब है गरीबों को उठाना है। जो पहले पहले तमो प्रधान बने, गरीब बने, उनको ही बाबा आकर पढ़ाते। आत्मा निर्लेप भक्ति वाले कहते हैं, बाबा नहीं कहते, भक्ति वाले कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, परंतु बाबा कहते बच्चे सारे लेप आत्मा पर ही तो लगते हैं। आत्मा ही सतो प्रदान होती है, आत्मा ही फिर रजो बनती है, आत्मा ही फिर तमो बनती है। आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा, उसके पाप का लेप लगा है तो पाप आत्मा। हम तो समझते थे ये पुण्य आत्मा है, ये तो हमें आज पता लगा ये तो पाप आत्मा है। और पुण्य आत्मा कब थी, जब उसके कर्म पवित्र थे, सुख देने वाले थे, तो हम उसको पुण्य आत्मा समझते थे। परंतु आज समझ में आया ये तो बाहर करता है पुण्य आत्मा वाले काम और अंदर करता है दुष्ट आत्मा वाले काम, है ना। तो कर्म से ही उसको कहा जाता है ना। 100 साल पहले तो इतने करैक्टर बोले थे ना, देखिए गरीब 100 साल पहले तो ठीक था करैक्टर सबके। वही तो बताया कि यदि आप 100 साल पहले भी लेते हो तो 100 साल का मतलब 2% पवित्र आत्माएं थी, 2%। जब 5,000 होता है तो 100%, और जब 500 होता है तो 10%, और जब 100 साल रह जाते हैं तो 2%। अब आप सोचिए कि ब्रह्मा बाबा 100% पवित्र लक्ष्मी नारायण था और वो कितने पर आ गया, 2% पर। अब उसको आप क्या कहोगे, वो तो उस हिसाब से तो बहुत गरीब हो गया कि नहीं हो गया, थे नहीं। और आज जो आई है आत्मा, थे नहीं, अब जो आत्मा 2% वाली 100 साल पहले पहली बार इस धरती पर उतरी है, अब उसने तो 2% वही देखा है ना, उसके लिए तो 100% 2% है, उसके तो जीवन मुक्ति का 2% ही उसके लिए 100% है। तो अब वो गिरेगी तो और ज्यादा गिरेगी ना, उसके पास तो मतलब उसका उसकी तमो प्रधानता को हम अपनी तमो प्रधानता के साथ तो नहीं जोड़ेंगे ना। तो इस प्रकार से मतलब ये सारे तो हाँ जी, इसलिए तो बाबा क्या कह रहे, बाबा ने तो ये कहा ना कि पहले तो गरीबों को उठाना पड़े ना, परंतु पैसों से गरीब नहीं, जो चरित्र से गरीब हो गए हैं, जिन्होंने ज्ञान को अपने जीवन से बहुत गायब कर दिया है, वही गरीब है ना। कहां 100% ज्ञान था हमारे जीवन में, कहां सिर्फ ब्रह्मा बाबा के शरीर में जब शिव बाबा प्रवेश कर रहे हैं सिर्फ 2% रहा है, थे नहीं ज्ञान। बाबा तो उस टाइम पैसे से भरपूर थे, पैसे से तो कोई मतलब नहीं है ना हमारा, वो आपने क्लियर कर दिया, नहीं तो पैसे ही समझ लेते सब, सारी दुनिया पैसे समझ, पैसे समझते हैं। वो पहले आएंगे गुरुओं के भी बच्चे अच्छे अनन्य शिष्य जब आएंगे तब उन सब की बुद्धि खुलेगी। जब जो दूसरे गुरु बैठे ना उनके अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे जब आएंगे तब उनकी बुद्धि खुलेगी, देखेंगे ये तो हमारे ही पत्ते निकलते जाते हैं, हमारे ही पत्ते वहां जा रहे हैं, यहां के जो होंगे वो तो निकल आएंगे, वो तो निकल आएंगे। बाप
आकर नया झाड़ शुरू करते हैं। जो और धर्मों में जाकर पड़े हैं वो सब लौटेंगे, फिर भी अपने भारत में ही आएंगे। भारतवासी ही थे ना हमारी डाल के, जो हैं वे सब आ जाएंगे। आगे चलकर तुम सब समझते जाएंगे। अब बाहर से सबको धक्का मिलता है। अब बाहर से सबको क्या मिलता है? कहीं जाओ, किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, धक्के के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है, धक्का मिलता है, मिलता जाता है। जहां जहां बाहर वाले हैं उनको भगाते रहते, समझते हैं ये बहुत धनवान हो गए हैं, यहां वाले गरीब हो गए। जो बाहर से आए वो धनवान हो गए, जैसे भारत वाले कहते थे पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी आए ना, यहाँ आकर अमीर हो गए हैं, इनको निकालो यहाँ से बाहर। ऐसा भी उनका मूवमेंट रहता था, विरोध रहता था कि पाकिस्तान से आए यहाँ आकर देखो अमीर हो गए, हम गरीब हो गए, इनको निकालो यहाँ से बाहर। पिछाड़ी में सबको अपने अपने धर्म में जाना होता है, आखिर सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे, सब अपने अपने घर तरफ भागेंगे। विलायत में कोई मरता है तो उनको भारत में ले आते हैं, क्योंकि भारत है फर्स्ट क्लास पवित्र भूमि। भारत में ही नई दुनिया थी, इस समय इसको वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जा नहीं कह सकते, निर्विकारी दुनिया नहीं कह सकते, ये है विशेष वर्ल्ड। इसलिए बुलाते हैं ही पतित पावन आओ, ये दुख हरता सुख करता आओ, आकर हमको पावन बनाओ। भल दुनिया तो यही है, परंतु इस समय दुनिया में कोई पावन तो है नहीं, कोई पावन तो है नहीं। पावन आत्माएं मूल वतन में हैं, ये वे है ब्रह्म महातत्व। मूल तत्व, मूल वतन वो है ब्रह्म महातत्व। सब पावन बनकर वहां जाएंगे, वहां कौन जाएंगे? पावन बनकर जाएंगे, फिर नंबर वार आएंगे, फिर सारे नंबर वार आएंगे पार्ट बजाने। आदि सनातन देवी देवता धर्म का ये फाउंडेशन है, फिर तीन ट्यूब निकलती हैं, ये तो देवता धर्म है, ये कोई ट्यूब नहीं, ये कोई ट्यूब नहीं। पहले ये फाउंडेशन, फिर तीन ट्यूब्स निकलती हैं। मतलब जैसे अभी हमने दो चार दिन पहले पढ़ा था कि बाबा आकर तीन धर्म स्थापन करते हैं, आज बाबा तीन धर्म को छोड़ दिया। ये वो तीन धर्मों की बात नहीं है, वो एक ही धर्म बाबा स्थापन करते, ब्राह्मण धर्म, और उससे दो ब्रांचेस बन जाते। ब्राह्मण होते हैं संगम पर, जब सतयुग में आते हैं वो जो 75 से ज्यादा नंबर लिए, और त्रेता में आते वो जिन्होंने 75 से कम 50 से ज्यादा नंबर लिए। तो वर्गीकरण हो गया ना, बंटवारा हो गया 50 से 75 वाले वहां, तो वहां तो सारे ब्राह्मण हैं, चाहे वो 75 वाला है, 60 वाला है, तो चाहे 90 वाला है, सभी ब्राह्मण है। मुख्य है चार धर्म, तीन धर्म नहीं, मुख्य है चार धर्म। एक धर्म तो आदि सनातन देवी देवता धर्म, और उससे तीन जो शाखाएं निकली वो कौन सी निकली? इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म। ये तीन शाखाएं बाबा कहते पहले निकली, ये तीन ट्यूब्स है। मुख्य है चार धर्म, सनातन धर्म और तीन। ये सबसे अच्छा धर्म है ब्राह्मण धर्म, जो बाबा अब आकर स्थापना करते हैं। इनकी बहुत महिमा है, हीरे जैसा तुम यहां बनते हो, मतलब हीरे की तरह तुम अपना एक एक दाग यहां मिटाते हो। हीरे जैसा तुम यहां बनते हो, बाप तुमको यहां पढ़ाते हैं,
तो तुमको कितना कितने बड़े हो, तो तुम कितने बड़े हो, भगवान पढ़ाता है। हाँ जी, सनातन धर्म का नाम सनातन कहेंगे क्या इसको? सनातन धर्म का नाम अभी आया था ना मुरली में कि सनातन धर्म। हाँ मुख्य सनातन। हाँ जी, तो इसको सनातन कहेंगे, देवी देवता लगाएंगे इसके साथ में? देवी देवता लगाएंगे, सनातन तो दुनिया वालों ने लगाया ना। और यहाँ बाबा कहते मैं आकर एक ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूं। सनातन धर्म तो सतयुग में आता है ना, तो जो संगम पर है वो तो बाबा आकर ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। जो धारणा 75 से 100 तक कर लेते उनको हम सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म वाला कहेंगे, और जिन्होंने 75 से कम नंबर लिए उनको क्षत्रिय धर्म वाला कहेंगे। ठीक है, परंतु ये धर्म दोनों बाबा गिन नहीं रहा, इन दोनों धर्मों को नहीं गिन रहा। बाबा कहते मुख्य 4 धर्म है, नंबर 1 ब्राह्मण धर्म, और उससे निकलती हैं 3 ट्यूब्स, वो 3 ट्यूब्स हैं इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म, और बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इनको मुख्य 3 धर्म को और जोड़ा तो मुख्य 4 धर्म हो गए। और कल परसों आपने देखा था, 2 दिन पहले था, हाँ, तो ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन करते हैं बाबा। तो तुम कितने बड़े हो, देवताओं से भी तुम बड़े हो, बड़े नॉलेजफुल हो, आप देवताओं से भी बड़े हो और नॉलेजफुल हो। ठीक है, बात हजम हुई है बात क्या भाई जी? हजम हो रही है बात? हम देवताओं से भी ऊंचे हो गए। वो तो प्रलब्ध में मिलता है, यहाँ तो बढ़ना तो यही है, देवता तो नीचे। हाँ जी, ब्राह्मण जन्म ये बेस है देवी देवताओं का, परमात्मा पढ़ा सबसे। हम ब्राह्मण धर्म जो है वो बेस है देवी देवता धर्म का, क्योंकि देवी देवता इस समय शिव बाबा आकर बनाते हैं। इस समय हम है ईश्वरीय संतान, और सतयुग में होंगे हम देवताओं के बच्चे। इस समय हमें दोनों युगों का संगम पर सारे कल्प का ज्ञान है, परंतु सतयुग में हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम आत्मा का पिता कौन है। हम आत्मा का पिता कौन है ये भी पता नहीं होगा। कितने बुद्ध होंगे उसको बाबा कई बार मुरली में तो रॉयल बुद्ध, सतयुग वाले क्या हैं, रॉयल बुद्ध हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हम आत्मा का पिता परमात्मा है। हम 84 जन्म लेते हैं, नहीं पता, बस इतना पता है हम आत्मा है, बस हम प्ले करने के लिए। इसलिए हाँ जी, दुख होता है परमात्मा को, हाँ हमारा शास्त्र गीता है जो बाबा शिव बाबा आके सुनाते हैं। हमारा धर्म ब्राह्मण है, अब कितना हम ऊंच ब्राह्मण बनेंगे उतना सतयुग में आएंगे। और धर्म है ना, और धर्म के स्थापक हैं, उनके शास्त्र है, वैसे हमारा भी शास्त्र गीता है और हमारा स्थापक शिव बाबा। तो बाबा ने इसलिए ब्राह्मण धर्म को कहा कि मैं आकर ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूं, इब्राहिम आकर इस्लाम धर्म स्थापन करता है, बुद्ध आकर बौद्ध धर्म स्थापन करता है, और क्राइस्ट जो है ना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करता है। तो 4 मुख्य ग्रंथ हैं। तो वंदर है ना, हम जो नॉलेज लेते हैं वो हमारे साथ चलती है, हमारा ये ज्ञान हमारे साथ जाता है। कैसे जाता है हमारा ज्ञान हमारे साथ? हाँ जी, हम कर्म करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, संस्कारों के रूप में जाता है, क्योंकि हमारा हमें सतयुग में याद नहीं रहेगा कि हम परमात्मा से पढ़ते थे, कुछ याद नहीं रहेगा। हमारे संस्कार जितने हमने बनाए होंगे उतना हमें स्मृति रहेगी।
उतनी हमारी स्मृति रहेगी। फिर वहां नॉलेज को ही भूल जाते हैं, सत्युग में जाकर हम ज्ञान को भूल जाते हैं। तुम जानते हो पहले हम क्या पढ़ते थे, अब हम क्या पढ़ते हैं, आईसीएस वाले क्या पढ़ते हैं और बाद में क्या पढ़ते हैं, फर्क तो है ना। आगे चलकर तुम बहुत नई नई पॉइंट्स सुनेंगे, अभी नहीं बताएंगे। कितना प्यार करता है बाबा हमसे, कितना प्यार करता है, अभी नहीं बताऊंगा। फिर हम नहीं रहेंगे तो किसको बताएंगे, ज्यादा दिमाग चलेगा। अभी नहीं बताऊंगा, कहते हैं बताओ। ऐसा होता है, ऐसे 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 बाप करते हैं। कोई पार्ट ही आगे सुनने का है, कहते मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूं, जो पार्ट में जो बात मैंने आगे बतानी है वो आज मैं पहले नहीं बताऊंगा। बुद्धि में रहता है नॉलेज का पार्ट, जब पूरा होना होगा तभी हम भी उस समय बाबा के ज्ञान को धारण कर लेंगे। फिर हमारा पार्ट स्वर्ग, हमारा पार्ट स्वर्ग में शुरू हो जाएगा। हमारा पार्ट फिर कहां चला जाएगा, स्वर्ग में शुरू हो जाएगा। पाठ पूरा हो जाएगा, बुद्धि में बहुत अच्छी धारणा होगी, चाहिए स्मरण करते रहो, बाप को याद करते रहो। याद नहीं होगी तो काम पद पाएंगे, काम पद। बाप को याद करते करते शरीर का भान निकल जाए, शरीर का भान ही निकल जाए कि इतना बाबा की याद में हम मस्त रहें कि हम आत्मा हैं। जैसे वो आत्मा है परमात्मा, तो हम भी आत्मा हैं। इस शरीर को कब भूल गए ये भी याद नहीं आए। सन्यासी भी इस अवस्था का अभ्यास करते करते शरीर छोड़ देते हैं, वो शरीर छोड़ देते हैं, परंतु उन्हों का रास्ता अलग है, इसलिए उनको फिर जन्म लेना पड़ता है, उनको फिर जन्म लेना पड़ता है। फॉलोअर्स समझते हैं वे ब्रह्म में लीन हो गया, वे ब्रह्म में लीन हो गया, फिर वापस आ नहीं सकता, फिर वापस आ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, वापस कोई भी जा नहीं सकता, वापस कोई भी नहीं जा सकता। पिछाड़ी में सब एक्टर्स जब स्टेज पर आएंगे तब फिर घर जाएंगे। पहले सारी आत्माएं परमधाम से कहां आएंगी, इस पृथ्वी पर, इस स्टेज पर आएंगी, क्योंकि यहां सारी आत्माएं आए तो बाबा सबसे मिले। परमधाम में तो बाबा किसी से मिलता ही नहीं है, वहां होते हुए भी, पास में होते हुए भी किस काम का नहीं है, कोई काम का मतलब कोई भी किसी काम का नहीं, चाहे कितने नजदीक हो वहां पर। यहां आकर बाबा सबको पतित से पावन बनने की ट्रेनिंग देते हैं। वह है हद का विनाशी नाटक और यह है बेहद का अविनाशी नाटक। यह है बेहद का अविनाशी नाटक। तुम अच्छी तरह समझ सकते हो ये ड्रामा जू मिसल चलता है। वे तो छोटे छोटे ड्रामा बनाते रहते हैं, झूठी फिल्म बनाते हैं, उनमें थोड़ी अच्छी बातें होती हैं, जैसे विष्णु अवतरण दिखाते हैं। ऐसे नहीं कि ऊपर से कोई विष्णु नीचे उतर आता है, वहां तो दिखा देते हैं फिल्म में, ये लो जी ऊपर से नीचे आ गया। लक्ष्मी नारायण पाठ बजाने आते हैं, बाकी ऊपर से कोई नहीं आते, ऊपर से कोई नहीं आते।
विष्णु बार आवे है उस टाइम विधि जो कहे सब। बाकी ऊपर से कोई नहीं आते हैं, अब तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं तब यहाँ ये बातें तुम सब समझ सकते हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, जब बाप ने समझाया तब तुम्हारे कपाट खुल गए हैं। इतना समय जो कुछ सुना वो कोई काम का नहीं था और ही गिरते गए, इसलिए तुम सबसे लिखवाते हो। जब लिख कर देवे तब समझा जाए कुछ बुद्धि में बैठा है। बाहर से आते हैं तो फार्म भराते हैं और फार्म भराते हैं तो मालूम पड़े हमारे कुल का है। मूल बात है बाप को जानना, समझे कि बरोबर कल्प कल्प बाप हमको पढ़ाते हैं। ये पूछना है कब से पवित्र बने हो, जल्दी नहीं सुधरते, घड़ी घड़ी माया पकड़ लेती है, देखती है कच्चा है तो हप कर देती है, देखती है कच्चा है तो हप कर लेती है। कई महारथियों को भी माया हप कर गई, शास्त्रों में भी मिसाल अभी के हैं, मंदिर में भी घोड़े सवार महारथी प्यादे आदि दिखाते हैं। किसी मंदिर में देखा है आपने घोड़े सवार महारथी प्यादे? बाबा कह देता है, बाबा देख के आ जाता है, हमें कह देता है हम मान ले आंख बंद करके। किसने देखा है भाई जा घोड़े सवार प्यादे? हाँ जी आत्माओं का बताया है ना, घोड़े प्यादे बोलते। देखा है किसी ने? हाँ दिलवाड़ा मंदिर में, तिलवाड़ा मंदिर में घुसने से पहले बार महारथी घोड़े सवार प्यादे दिखाए, ठीक है ना? तो इसलिए सबको मतलब देखना पड़ता है ना, देख के वहां तुम अब अपना यादगार देखते हो। दिलवाड़ा मंदिर हमारा यादगार है, जब तुम बन जाएंगे तो भक्ति उड़ जाएगी, फिर ये भक्ति धरती से उड़ जाएगी। तुम किसको माथा नहीं टेक सकते हो, तुम पूछेंगे ये कहां गए, लक्ष्मी नारायण कहां गए, राम सीता कहां गए, कब थे ये गणेश और कब थे ये, इनकी बायोग्राफी बताओ। बाप बाबा ने तुमको बच्चों तुम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया है, तब तुम पूछते हो तो नशा रहना चाहिए, तब तुम उनसे पूछते हो ना, जब वो नहीं बताएंगे तो आप उनको समझा सकेंगे। तब तुम पूछते हो तो नशा रहना चाहिए। पास विद ऑनर आठ होते हैं, यह बहुत बड़ा इम्तिहान है, अपने को देखना होता है कि 900 करोड़ में से आठ, उनमें से एक। अपने को देखना है, हमारी आत्मा पवित्र बनी है, बैटरी भरेगी तब जब योग होगा, बाप से योग होगा तो सत्व प्रधान बनेंगे, तमो प्रधान आत्मा वापस जा नहीं सकती है। ये भी ड्रामा है, वहां दुख देने वाली कोई चीज नहीं। गायें भी सुंदर हैं, श्री कृष्ण के साथ गायें कितनी सुंदर दिखाते हैं, बड़े बड़े आदमी का फर्नीचर भी सुंदर, गायें अच्छी दूध देती हैं, तब तो दूध की नदियां बहती हैं। अब यहां नहीं है। अभी तुम नॉलेजफुल बन गए हो, इस दुनिया को तुम तुच्छ समझते हो, इनका सारा किचड़ा स्वाहा होना है। फिर भी आप पकड़ना चाहते हो कृष्ण को, जब हम कृष्ण को पकड़ नहीं सकते तो क्या करेंगे? अब जहां कृष्ण होगा तो उनके पास गाय भी बहुत अच्छी होंगी। बाकी कृष्ण को बाबा ने कहा कोई ग्वाला नहीं है जो गाय चराता फिरेगा। गाय का मतलब क्या हुआ फिर, गाय कौन सी गाय होगी उसके पास? गाय तो गाय होती है,
जो दूध देने वाली है। परंतु कृष्ण के पास बाबा कहते कोई गाय नहीं होती है, कोई ग्वाला नहीं है, वैसी गाय होंगी देखभाल करने वाले, उनको चराने वाले, वो ग्वारे की तरह चराने नहीं जाएगा ना, किचड़ा स्वाह होना चाहिए, होना है, फिर सारा किचड़ा निकल स्वच्छ बन जाएंगे। हम अपनी राजधानी में जाते हैं, उनका नाम है स्वर्ग। सुनते ही खुशी की लहर गूंजती है। सुनते ही खुशी होती है, सुनते ही क्या होती है, खुशी होती है। बंटी ने कुछ पूछना है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ बोलो बंटी, ओम शांति। जो बच्चे सबसे गरीब है सबसे पहले क्या लेंगे, तो परसेंटेज भी तो सबसे पहले जो सबसे पहले आया उन्हीं का ऊपर जाएगा, लास्ट सो फास्ट भी जा सकता है। कोई बच्चा लेट एडमिशन लेता है, परंतु पढ़ाई अच्छी तरह करे तो जो पहले एडमिशन लिया था उससे आगे जा सकता है ना, इसलिए दिल शिकस्त नहीं होना। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, इस अनसुधरी प्राणी दुनिया को सुधारने के लिए स्वयं को सुधारना है, अपनी बुद्धि को बाप की याद से रिफाइन बनाना है। ये प्रश्न दादी जानकी ने पूछा था बाबा से, दादी जानकी का क्योंकि शादी हो चुकी थी और ये आने के बाद एक साल लेट आई। जब एक साल देरी से आई, आके देखा तो यहाँ की तो दुनिया ही बदल चुकी थी। एक साल बाद वो जब आई तो दुनिया ही बदल गई थी। तो दादी को बड़ा महसूस होता था, बाबा के पास गई मैं तो पीछे रह गई। तो बाबा ने क्या करूं, बाबा ने कहा मुरली जो है ना दो बार पढ़ो। तो बाबा ने मुरली दो बार कहा और दादी ने उसको क्या कहा था, किसको याद है? 12 बार। मैं 12 बार मुरली पढ़ूंगी। दादी जानकी ने अपना अनुभव सुनाया कि मैं 12 बार मुरली पढ़ती थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 12 बार मुरली पढ़ूंगी, मैं काम नहीं करूंगी। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम की, जो मेरे हिस्से का काम है, वो काम भी मुझे करना है, उसके बाद 12 बार मुरली भी पढ़ना है। उसके लिए मैं सोती बेंच पर थी ताकि मैं जल्दी से उठ सकूं, मतलब उठ उठ करके मुरली पढ़ती थी। मैंने 12 बार मुरली पढ़नी थी, ये मतलब था। कहने वाला ज्ञान को जितना अच्छी तरह, अब उसने अपना एक साल कवर किया ना, तो सभी कवर कर सकते हैं, परंतु मुरली को ज्यादा अच्छी तरह सुनो। बस जितनी बार पढ़ो अलग पॉइंट मिलता है। हाँ, आपस में रूह रिहान करनी है, वाद विवाद नहीं, नॉलेज का दान दे सर्व का भंडारा भरपूर करना है, वरदान है। स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले विशाल बुद्धि भाव, अपने विशाल बुद्धि द्वारा सर्व शक्तियों रूपी सेवाधारियों को, हर सेवाधारी क्या है, शक्ति स्वरूप है। अध्ययन करेंगे तो मालूम होगा, क्या मालूम होगा, कि कैसे पतित दुनिया से पावन बनाने का कार्य बाबा करते हैं। जो भी टाइटल डायरेक्ट परमात्मा द्वारा मिले हुए हैं उसके नशे में रहो, स्वमान की स्थिति रूप स्थित स्वरूप रूप रूपी सीट पर सेट रहो तो चाहे कुछ भी हो,
सब शक्ति के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपको ऑर्डर के इंतजार हो इंतजार में होंगी, आपके ऑर्डर के इंतजार में होगी, तो वरदान का ऑर्डर साथ के साथ मिलेगा। तो वरदान और वर्षे को कार्य में लगाओ, कार्य में लगाओ, मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो, तो सदा राजी रहेंगे, बार बार नहीं बुलाना पड़ेगा। स्लोगन है, कोई भी कार्य शुरू करने के पहले विशेष ये स्मृति इमर्ज करो कि सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम।